तम आकिंचन, आकिंचन क्या है, जहाँ पर किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, जहाँ पर सिर्फ आत्मा को छोड़ करके अगर एक तिनका के बराबर भी कोई परिग्रह है तो वहाँ पर आकिंचन धर्म नहीं हो सकता। आकिंचन धर्म में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब तो व्यर्थ का झमेला। यहाँ पर परिग्रह 24 प्रकार का होता है। 10 प्रकार का परिग्रह अंतरंग का होता है और 14 प्रकार का परिग्रह बाहर का होता है। अंतरंग का परिग्रह का त्याग कर देना, बाहर तो सब त्याग हो चुका मगर अब अंतरंग के जो परिग्रह हैं उसका भी त्याग कर देना, उसका नाम आकिंचन है। और परिग्रह क्या है, तो परिग्रह मूर्छा परिग्रह, किसी वस्तु को ये भाव रखना कि ये मेरी है, यही परिग्रह है। एक व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो करके, ना जिसके पास गाड़ी है, ना मकान है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना, पर उसके पास भी बहुत परिग्रह हो सकता है, भावों से, परिणामों से, विचारों से, ना भावनाओं से। मगर एक व्यक्ति के पास सब कुछ होकर के भी अगर उसको मूर्छा नहीं है तो वह भरत चक्रवर्ती की तरह षटखंडापति होकर 96,000 बीवियों के होने पर, 60,000 पुत्रों के होने पर, 84,00,000 हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84,00,000 सेना, 32,000 मुकुटवट राजाओं का राजा होकर के भी भरत जी घर में बैरागी, ये लोग स्तुति करते थे कि भरत जी सब कुछ होकर के भी बैरागी हैं, क्योंकि उन्हें मूर्छा नहीं थी। और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है, इसलिए हम सब जाने कि आकिंचन, जहाँ पर रंच मात्र भी परिग्रह ना हो, उसका नाम आकिंचन है। तो चलिए हम सब आकिंचन की तरफ बढ़ें और सिर्फ अपनी आत्मा से राग करें, आत्मा की चिंता करें, आत्मा का मनन करें, आत्मा का ध्यान करें, बस यही आकिंचन है। और बाकी सभी से अपना मुख मोड़ करके आत्मा के अभिमुख हो जाएं, क्योंकि इसी का नाम आकिंचन।